सब्सक्राइब कीजिए अमेजिंग मार्केटर चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइस, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना ऑनलाइन बिजनेस 2018 में शुरू करना चाहते हैं। एज अ न्यू सेलर्स उनको डर रहता है कि क्या वो ऑनलाइन बिजनेस में सर्वाइव कर पाएंगे, सक्सेसफुल हो पाएंगे, कहीं वो ज़्यादा लॉस तो नहीं कर बैठेंगे। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक सवाल हमेशा दिमाग में आता है, क्या 2018 में अमेज़ॉन बिजनेस शुरू करना चाहिए। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं अमेजिंग मार्केटर, चलिए शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे, इज अमेज़ॉन स्टिल अ गुड अपॉर्चुनिटी इन 2018 एज अ न्यू सेलर। 2018 में एज अ न्यू सेलर क्या अमेज़ॉन पे बिजनेस शुरू करना प्रॉफिटेबल रहेगा, इसमें क्या मुझे सक्सेस मिलेगी, क्या मैं कहीं लॉस तो नहीं कर बैठूंगा, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। और मैं बिल्कुल शुरू में ही आंसर दे देता हूँ कि क्या ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। मेरा आंसर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ऑनेस्ट है, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। आपको अमेज़ॉन पर बिजनेस करना चाहिए, येस यू शुड डू बिजनेस ऑन अमेज़ॉन। क्यों करना चाहिए? क्योंकि अमेज़ॉन खुद अभी इनिशियल स्टेजेस पे है, वो अभी नेसेंट स्टेज पे है, वो खुद को अभी ग्रो कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। अगर आप अभी आज 2018 में अपना बिजनेस अमेज़ॉन पे लॉन्च करते हैं तो आप अभी ग्राउंड फ्लोर को ही टच करेंगे। तो जैसे जैसे अमेज़ॉन ग्रो करेगा उसके साथ आप खुद को भी ग्रो कर सकते हैं। दिस इज़ द राइट मोमेंट, अभी आप लेट नहीं हुए हो। आपको अमेज़ॉन बिजनेस अगर शुरू करना है और आप करना चाहते हो तो अभी भी बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई है, आप इसको करिए, आप इसमें अभी से वेंचर करिए, आप अपना बिजनेस शुरू करिए, अपनी सेलिंग शुरू करिए। अभी भी ये बहुत इनिशियल स्टेजेस पे है, बहुत ही नेसेंट स्टेज पे है, तो आप इसको शुरू कर सकते हैं। मैं इसके लिए आपको 5 ऐसे रीजंस बताऊंगा कि क्यों आपको अमेज़ॉन पर बिजनेस शुरू करना चाहिए या क्यों अभी भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसको आप इनकैश कर सकते हो अमेज़ॉन पर बिजनेस शुरू करते हैं अगर 2018 में। तो रीज़न नंबर 1, अमेज़न इज़ टेकिंग ओवर द वर्ल्ड एंड इट नीड्स योर हेल्प। अमेज़ॉन अपने आप को कंट्री ओवर कंट्री, ईयर ओवर ईयर और डे बाई डे एक्सपैंड कर रहा है और उसको एक्सपेंशन के लिए हम जैसे सेलर्स की ज़रूरत है, क्योंकि वो अकेला इतने सारे प्रोडक्ट्स को ना ही लिस्ट कर सकता है और ना ही बेच सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अमेज़ॉन्स की बहुत सारी इनकम हमारी शिपिंग कॉस्ट, कमीशन फ़ी, प्रोडक्ट लिस्टिंग के चार्जेस जो कुछ कंट्रीज़ में हैं उसकी वजह से भी होती है। अमेज़ॉन अकेला ग्रो नहीं कर सकता है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन कर रहा है, लेकिन उसमें आपके और मेरे जैसे सेलर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अभी भी मौका है, अपना अमेज़ॉन बिजनेस 2018 में शुरू कर सकते हैं। रीज़न नंबर 2, बायर्स आर ओनली जस्ट स्टार्टेड बाइंग ऑनलाइन प्रोडक्ट्स। इंडिया की आबादी 125 करोड़ है और उसमें से सिर्फ 12 करोड़ लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। आप समझ सकते हैं कि इस इंडस्ट्री में, इस ऑनलाइन ई कॉमर्स इंडस्ट्री में कितना सारा पोटेंशियल है। सिर्फ मुश्किल से 10.4%, या मैं इसको राउंड फिगर कर दूं तो 11% लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। 125 करोड़ में से सिर्फ 12 करोड़ लोग हैं जो शॉपिंग कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी इंडस्ट्री, कितने ज़्यादा लोग इसमें प्रोडक्ट खरीदने वाले हैं और आपके नंबर ऑफ सेलर्स कम हैं। तो आप आराम से इस इंडस्ट्री में अभी वेंचर कर सकते हैं, जिसका फ़ायदा आप ईयर ओवर ईयर जैसे जैसे ग्रेजुअली अमेज़ॉन ग्रो करेगा, आप ग्रो करेंगे तो फ़ायदा उठा सकते हैं। रीज़न नंबर 3, विदाउट थर्ड पार्टी सेलर्स अमेज़ॉन विल लूज़ ओवर 50% ऑफ इट्स मार्केट। अगर आपके और मेरे जैसे सेलर्स नहीं होंगे तो अमेज़ॉन अपना मोर देन 50% ऑफ बिजनेस लूज़ कर देगा। कैसे? क्योंकि अभी भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग हो गई, प्रोडक्ट सिलेक्शन हो गया, उनके लिए एडवर्टीज़मेंट हो गई, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम थर्ड पार्टी सेलर्स करते हैं, वो अमेज़ॉन खुद नहीं करता है। मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन मतलब हम ही करते हैं, इसमें से राउंड अबाउट मान के चलिए 80% काम हम ही करते हैं। बहुत कम जगह बहुत बड़े ब्रांड्स के लिए अमेज़ॉन के पर्टिकुलर स्पॉक्स होते हैं जो हेल्प आउट करते हैं। बहुत बड़ा ऐसा सेगमेंट है जिसकी वजह से अमेज़ॉन ग्रो कर रहा है। मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड वाइड ओनली 16% ऐसे ब्रांड्स हैं जो डायरेक्टली अमेज़ॉन पे सेल करते हैं।
मतलब ये हुआ कि 84% ब्रांड ऐसे हैं जिनको अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए थर्ड पार्टी सेलर जैसे कि आप और मैं इनकी ज़रूरत पड़ती है। सो अभी भी बहुत ज़्यादा ह्यूज पोटेंशियल है इस प्लेटफॉर्म पे, इस इंडस्ट्री में। सो आप अगर अभी भी इस 2018 में जंप इन करते हैं ऑनलाइन बिजनेस में तो बहुत आराम से आप ग्रो कर सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं। सो आप इसमें जल्दी से जल्दी कोशिश करें कि आप इसको पढ़ के समझ के अमेज़ॉन को अपना बिजनेस शुरू करें। रीज़न नंबर 4, मैनी अमेज़न सेलर्स डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, टेक बेनिफिट आउट ऑफ इट। बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए बहुत सारे सेलर्स होते हैं, लेकिन बहुत सारे सेलर्स में से कुछ ही सेलर्स हैं जो कॉम्पीट कर रहे होते हैं। आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए एक कैमरा है या एक मोबाइल फ़ोन है, उसको बेचने के लिए 20 या 30 सेलर्स लिस्ट हो रखे हैं, लेकिन आप देखेंगे उसमें से कुछ टॉप 3 या टॉप 4 ही सेलर्स होंगे जो आपस में कॉम्पीट कर रहे होंगे। बाकी सेलर्स को पता ही नहीं है कि उनको अमेज़ॉन पे करना क्या है। उनको लगता है कि मैंने लिस्ट कर दिया है, मेरा प्रोडक्ट लिस्ट हो गया है, अब अपने आप बिजनेस आएगा, मैं इसको सेल आउट कर दूंगा। तो ऐसा नहीं होता है, आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी। अमेज़ॉन का खुद का एक मैकेनिज़म है जो आपको सीखना पड़ेगा, उसका SEO करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट का। तो ये सब चीज़ें मैंने बाकी वीडियोस में भी बनाई हैं, आप उससे रेफरेंस ले सकते हैं। तो इस चीज़ का आप फ़ायदा उठाइए जो दूसरे सेलर्स गलती कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे सेलर्स को पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने बस अपना प्रोडक्ट लिस्ट किया और उन्हें लगता है कि भाई अब मेरी सेल हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको वो मैकेनिज्म स्टडी करना पड़ेगा, उसकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग सही तरीके से सही कैटेगरी में विद SEO कीवर्ड्स डालने पड़ेंगे। तो उस चीज़ पे आप ध्यान दें, दूसरे सेलर्स की गलतियों से सीखें और उसका फ़ायदा उठाएं। रीज़न नंबर 5, मोबाइल सेल्स आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड एंड जनरेटिंग मोमेंटम। यहाँ पे इससे मतलब है कि इंडिया में इस टाइम मोबाइल डिवाइसेस बहुत ज़्यादा बूम पर हैं, हज़ारों प्रोडक्ट्स, हज़ारों डिफरेंट टाइप के मोबाइल फ़ोन्स, डिफरेंट शेप, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट टेक्नोलॉजी, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ लॉन्च हो रहे हैं। और अब ये मोबाइल डिवाइसेस खाली tier 1 सिटीज़ तक लिमिटेड नहीं रह गए हैं, ये tier 2, tier 3, इवन tier 4 और 5 सिटीज़ तक भी पहुँच गए हैं। एंड जियो के आ जाने से, हमारे जियो के आ जाने से, एयरटेल के सस्ते हो जाने से, मतलब जितने भी नेटवर्क प्रोवाइडर हैं उनकी वजह से इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत इजी हो गया है tier 2 tier 3 सिटीज़ में। एंड आपको यकीन नहीं होगा, अमेज़ॉन पे या किसी भी ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जो सबसे ज़्यादा परचेजिंग होती है, जो सबसे ज़्यादा कस्टमर्स है, वो tier 2 और tier 3 सिटीज़ के हैं। उनका रीज़न है क्या होता है कि इन लोगों को भी बहुत ही हाई एंड अच्छे प्रोडक्ट्स, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं, लेकिन जो इनकी लोकल मार्केट में या आसपास की विसिनिटी में अवेलेबल नहीं होते हैं, इसलिए ये लोग बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग को प्रेफर करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी कंट्री में सबके पास एक मोबाइल फ़ोन है, सबके पास इंटरनेट कनेक्शन है, और एज़ पर द स्टैट्स आजकल सबसे ज़्यादा सेल मोबाइल डिवाइसेस से हो रही है, ऑलमोस्ट मोर देन 60% है, और जिसमें से नेक्स्ट 15-16% टैबलेट से है। सो रिमेनिंग जो 20-23% बचता है वो डेस्कटॉप या लैपटॉप से हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि मोबाइल डिवाइसेस की रीच आउट हमारे रूरल एरियाज़ तक पहुंच चुकी है, इंटरनेट पेनिट्रेट कर चुका है इन एरियाज़ में। सो कितना पोटेंशियल है इस मार्केट में, इस ऑनलाइन ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पे, तो आप इसमें वेंचर कर सकते हैं। सो मैं फाइनली क्लोज़ यही करूँगा कि आप लोग अभी बहुत लेट नहीं हुए हैं, अभी भी बहुत ही नेसेंट स्टेज है, बेबी स्टेज है। तो अगर आप अभी से इस चीज़ को शुरू करेंगे तो आपको बहुत प्रॉफिट होगा, आपके ग्रो होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। लेकिन हर बिज़नेस को शुरू करने से पहले उसके कुछ वाइटल फैक्टर्स होते हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। ऐसे ही अमेज़ॉन के केस में भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे, जिनके अकॉर्डिंग आपको बिजनेस करना पड़ेगा। उसमें से मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ 3 ऐसे फैक्टर्स बताऊंगा जिनको आपको सच में समझना है और ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक टाइप के पिटफॉल्स हैं जो आपको अमेज़ॉन बिजनेस में समझने पड़ेंगे। पहला पिटफॉल है, द कस्टमर्स आर अमेज़ॉन कस्टमर्स, नॉट योर्स। तो जो भी बंदा आपसे प्रोडक्ट खरीद रहा है, जो भी कस्टमर आपसे प्रोडक्ट खरीद रहा है, लेट सपोज मैंने आपसे एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदा अमेज़ॉन प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो मैं आपका कस्टमर नहीं हूँ, मैं अमेज़ॉन का कस्टमर हूँ। सो अमेज़ॉन
के कस्टमर्स आपके कस्टमर नहीं हैं, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। आप कितने भी प्रोडक्ट्स बेच लें, आप अपने आप को कितना भी ग्रो कर लें, लेकिन जितने भी कस्टमर्स हैं वो अमेज़ॉन के हैं, आपके नहीं हैं। क्योंकि ना तो आप उनको ईमेल कर सकते हैं, ना तो आप उनको फ़ोन नंबर के थ्रू एसएमएस कर सकते हैं। हाउएवर ये दोनों डिटेल्स आपको अवेलेबल होती हैं, लेकिन एज़ पर रिसेंट न्यूज़ वो शायद अब धीरे धीरे वो भी ख़त्म हो जाएगा, तो आप एक्सेस नहीं ले पाएंगे अपने डैशबोर्ड से। और अमेज़ॉन के थ्रू आप इन लोगों को वैसे भी रीच आउट नहीं कर सकते। अमेज़ॉन कोई भी मैकेनिज़म या कोई भी टूल ऐसा नहीं देता है जिसके थ्रू आप इन लोगों तक पहुंच पाएं। सो आप हमेशा याद रखें, जो कस्टमर आपसे परचेज़ कर रहा है वो आपका नहीं है, वो अमेज़ॉन का है। पिटफॉल नंबर 2, द लिस्टिंग्स आर अमेज़ॉन लिस्टिंग एंड इट कैन बी रिमूव्ड एनी टाइम। जो भी प्रोडक्ट आप लिस्ट करते हैं वो अमेज़ॉन का है, वो अमेज़ॉन की लिस्टिंग है, वो कभी भी शट डाउन हो सकती है, कभी भी रिमूव हो सकती है। मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ ये शायद 2 बार हुआ है, टू बी एग्जैक्ट मेरे साथ 3 बार हुआ है ये। तो मेरी भी 3 बार लिस्टिंग डिलीट हुई है, शट डाउन हुई है। सो वो लिस्टिंग अमेज़ॉन की है, ऐसा नहीं है कि आपने लिस्टिंग बना दी तो अमेज़ॉन उसको हमेशा मेंटेन रखेगा, उसे लगेगा कि ये लिस्टिंग गलत है या ठीक नहीं है या प्रोडक्ट नहीं सेल आउट हो रहा है तो वो लिस्टिंग को हटा भी सकता है। सो लिस्टिंग इज अमेज़ॉन लिस्टिंग, नॉट योर लिस्टिंग। पिटफॉल नंबर 3, अमेज़ॉन चेंजेज इट्स टर्म्स ऑफ सर्विसेज एंड पॉलिसीज एनी टाइम। वो आपको बिना बताए अपनी गाइडलाइंस चेंज कर देगा। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है या सफ़र कर रहा है, कस्टमर उसके लिए गॉड है। एंड अमेज़ॉन सिर्फ 2 चीज़ों को प्रिफर करता है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कस्टमर एंड सेकेंड इट्स एक्सपीरियंस। सो कस्टमर और कस्टमर के एक्सपीरियंस को वो कभी हैम्पर नहीं होने देता। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि ये टर्म्स एंड पॉलिसीज़ कभी भी चेंज हो जाते हैं। अब उसकी वजह से आपका बिजनेस हो सकता है ऊपर ग्रो कर जाए या हो सकता है बिल्कुल ही डाउन आ जाए। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इन TNCs को आपको पढ़ के रखना है, हमेशा अपडेटेड रहना है, ये चीज़ है। तो इन चीज़ों का ध्यान दीजिए आप कि अमेज़ॉन की ये 3 बड़े पिटफॉल हैं अगर आपको अमेज़ॉन का बिजनेस शुरू करना है तो। बाकी अमेज़ॉन से रिलेटेड जो भी टिप्स हैं वो मैंने बाकी वीडियोस में कैप्चर करे हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो, कंसर्न हो या आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और अपने कॉम्पिटिटर से आगे रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जाते जाते हमेशा की तरह मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, कीप सेलिंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।